श्री खेड़ा जी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। आप इनकी जीत आपकी एक किताब है जिसको दोस्तों आप पढ़ेंगे कभी कभी, जैसे आप ट्रेन की सफर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक मिनट की समय लूंगा टॉपिक से बाहर। दोस्तों अगर आपको किताब पढ़ना है, आप ट्रेन की सफर करते हैं, एक ट्रेन की सफर में आप दो किताब पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। आप फ्लाइट की सफर कर रहे हो उसमें आप किताबें पढ़ सकते हैं। इस समय जैसे आप अभी जैसलमेर घूमने आ रहे हैं, एक किताब आप रेलवे स्टेशन पर खरीदिए और लास्ट तक पढ़ जाइए। वहां से आइए जैसलमेर से किताब खरीदिए, अपने स्टेशन तक जाते जाते पढ़ जाइए एक किताब पढ़ने का टाइम है। तो दोस्तों हमने जीत आपकी किताब इनकी पढ़ी थी और उन्होंने लिखा है कि जीतने वाले अलग चीज नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्तों आपको हमने इस बिजनेस में लेकर क्या है, एक व्यक्ति तो बिजनेस ज्वाइनिंग करने के बाद हवा में घूम रहा है, एक व्यक्ति ने क्या किया अपना टूल्स बैग तैयार किया, अपना जीने की आजादी बुक, फोल्डर, ड्रीम्स बुक, लिस्ट बुक और साथ में दो तीन और एक्स्ट्रा बुक, लैपटॉप अवेलेबल है तो लैपटॉप भी रखा। अगर फ्रेशर से सिल्वर के बीच में है, सिल्वर सुपर बनने के बाद मैं बोलता हूं कि आप एक लैपटॉप जरूर खरीदिए, लैपटॉप रखा है, पूरी टूल्स तैयार करके वो मार्केट में घूमता है, प्रॉपर अपने सिस्टम की आई कार्ड पहनता है, अपनी फॉर्मल ड्रेस को इस्तेमाल करता है, उसका मिशन फोकस एक ही है कि अपने चीफ में 1000 का चेक दिलाना है। दोस्तों उसका काम क्यों नहीं होगा? ज्वाइनिंग एक ही दिन दो लोग करते हैं। दोस्तों जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन आपके साथ पूरे भारत में बहुत सारे लोग की ज्वाइनिंग हुई, उसमें से कोई आदमी डायमंड के नजदीक पहुंच गया, कोई आदमी दोस्तों गोल्ड पहुंच गया, कोई पर्ल पहुंच गया, कोई टोपाज पहुंच गया, और अभी भी आप फ्रेशर घूम रहे हैं। व्हाई, क्यों? आप अपने आप से सवाल करें, क्योंकि दोस्तों विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, और हर काम को दोस्तों अलग तरीके से करता है। दोस्तों जब जूम मीटिंग शुरू हुआ था बहुत सारे लोग मेरे साथ पैनल पर आते थे और बहुत सारे लोग मेरे साथ दोस्तों पैनल से चले गए, लेकिन दोस्तों जो मैंने अपने ग्रेट गाइडलाइंस, जो ग्रेट गुरु की गाइडलाइंस में दोस्तों जो मैंने सिस्टम बनाया, दोस्तों इस सिस्टम को दोस्तों मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। दोस्तों जब हम लोगों ने 2012 में बिजनेस में फुल फ्लैश आए, जब बिजनेस के स्टार्टअप दौर था, तो दोस्तों हम लोगों ने, मुझे याद है कि दोस्तों मैं आर्मी के नौकरी करते हुए मैंने अपने सिस्टम को और अपने ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ा था। जब मैंने उत्तराखंड में रुड़की में जो ट्रेनिंग को शुरू किया था, हेवेंस गार्डन होटल में, मुझे याद है 6500 रुपए दोस्तों एक महीना का देता था। हर फ्राइडे को चाहे मेरे सिस्टम पर 3 लोग आए, चाहे दोस्तों 5 लोग आए, चाहे दोस्तों 10 लोग आए, चाहे दोस्तों 20 लोग आए, दोस्तों मैंने कभी भी अपने ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। दोस्तों इवन दोस्तों एक फ्राइडे को होली था, उस दिन भी शाम के टाइम में हम लोगों ने 7 लोगों ने दोस्तों वहां जा करके होली ऑफ करने के बाद दोस्तों ट्रेनिंग किया था। तो दोस्तों जब किसी भी काम के पीछे आप पड़ जाओगे लगातार, जब दोस्तों बोलते हैं मैं बैटिंग करना शुरू कर जाओगे, दोस्तों आपका धंधा क्यों नहीं चमकेगा, आपका बिजनेस क्यों नहीं चमकेगा? लेकिन दोस्तों यहां पर लोगों को बहाना बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम अकेले काम करते हैं दोस्तों, हम अपने लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। एक बात मेरे परिवार वाले जानते हैं, हमारे वाइफ, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरी माँ भी जानती है कि दोस्तों मैंने अपने लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं किया। अगला स्टेप लेने के लिए दोस्तों एट ए टाइम तैयार रहता हूं, और यही कारण है कि दोस्तों मैंने अपने परिवार को बुलंदियों पर पहुंचाया। नहीं तो दोस्तों हम भी एक फौजी आदमी थे, बस एक शब्द मुझे पता था कि जीतने वाला अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों मैं भी आपके सामने 45 मिनट फुल एनर्जी से लबालब होकर के ट्रेनिंग देता हूं, आप देख कर देखिएगा आपको दिन भर किसी दूसरे से बात करने का मन नहीं करेगा। दोस्तों दोहरे मन से काम नहीं होता, फिर दोबारा बोल रहा हूं, हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच होकर काम होगा आपका। 15 सेकंड के रिकॉर्ड बनाने के लिए 15 साल एथलीट मेहनत करते हैं, एक नौकरी को पाने के लिए एक बच्चा 22 साल मेहनत करता है, एक रेसलर कुश्ती लड़ने के लिए 20-20 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, एक बॉक्सर अपने रिंग में उतरने से पहले अपने वजन को कम करने के लिए लगातार दोपहर में धूप में कंबल को ओढ़ ओढ़ करके सो करके अपने वजन से अपने पसीने को कम करता है, उस वेट में वजन लाता है।
तो दोहरे मन से काम नहीं होता। एक सेलिब्रिटीज, एक हीरो हीरोइंस को जब पिक्चर करने होते हैं, वजन बढ़ाना है तो वजन बढ़ाएगा, वजन घटाना है तो वजन घटाएगा, उसके लिए दिन रात जो उसकी इतनी पर्सनालिटी अच्छे देखते हैं ना सेलिब्रिटीज को, हीरो हीरोइन को, उस पर्सनालिटी के पीछे दोस्तों बहुत दिन और रात देने पड़ते हैं। इस बिजनेस में भी जिस दिन आपके गले में डायमंड शिप का पट्टा पड़ेगा, उस दिन की जो आपकी अतीत होगी, जो आपकी पास्ट होगी, उस पास्ट को दोस्तों भूल जाना है और उसको अब नहीं याद करना हो दुख को, और उसके एक्सपीरियंस को लेकर के आपने प्रेजेंट में काम करना है। और जिस दिन आप डायमंड बने उसके 10 मिनट बाद उस बेल्ट को फिर भूल जाना है और फिर अपने मन में ठान लेना है कि दोस्तों आज से मैं फिर फ्रेशर हूं और फ्रेशर बन के काम कर रहा हूं। आपका पहला लेवल ब्रॉन्ज हुआ, ब्रॉन्ज को भूलो, फिर फ्रेशर बन जाओ। दूसरा लेवल आपका सिल्वर हुआ, सिल्वर को भूल जाओ, फिर फ्रेशर बन जाओ। तीसरा लेवल आपका प्लैटिनम हुआ, प्लैटिनम को भूल जाओ, फिर फ्रेशर बन करके काम करो। चौथा लेवल दोस्तों आपका गोल्ड हुआ, गोल्ड को भूल जाओ, फिर फ्रेशर बन जाओ। फ्रेशर फ्रेशर आपके दिमाग के अंदर में कभी भी लेवल दोस्तों नहीं चिपकना चाहिए। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे दोस्तों? जिस दिन आपके दिमाग के अंदर में लेवल चिपक गया दोस्तों, आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड बनाने के लिए आप आए हैं दोस्तों, इसलिए आपकी फोकस 1000 पर हमेशा होना चाहिए। दोस्तों फुली एक्सपीरियंस बात बता रहा हूं, तो यहां पर ध्यान समझिएगा, दोहरे मन से काम नहीं होता। याद रखिएगा, एक मधुमक्खी की 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप सारे लीडर्स और एसोसिएट्स आप इस कहानी को बार बार सुनते हैं कि दोहरे मन से काम नहीं होता। एक मधुमक्खी और एक मक्खी, मक्खी का काम क्या है? मक्खी दुनिया की हर चीजों पर बैठती है, अच्छे से अच्छे, खराब से खराब, सब चीजों पर, गंदे से गंदे बैठती है, यस और नो। लेकिन मधुमक्खी का रोल क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी का रोल एक ही है, दोहरे मन से काम नहीं होता। दोबारा सुनिएगा, मधुमक्खी का दोस्तों एक ही रोल है कि वो आपके फूल से एक ड्रॉप रस ले जाकर के और अपने छाते में जाकर के दोस्तों बैठती है, बस यही काम है। फूल और छाते, छाते और फूल, फूल और छाते, यही लगातार दोस्तों एक मधुमक्खी काम करती है। इस बिजनेस में आप एमआर हैं, आप नौकरी में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो कुछ भी हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जहां भी अपने कैरियर को जोड़ा है उस कैरियर में काम मत करिए, हाँ, लेकिन मिशन फोकस्ड, जो दोस्तों मैं आपसे हमेशा बात करता हूं कि 90 डेज फॉर्मूला आपकी सफलता की, दोस्तों उस पर आपने क्या लगातार काम करते हो। जो लीडर काम कर रहे हैं उनकी सफलता मिल रही है, जो लीडर काम कर रहे हैं वो दोस्तों सिल्वर बन गए हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लेडीज इस कोविड के अंदर में, जेंट्स लोगों से बुरा नहीं मानिएगा, ज्यादा लेडीज लोग दोस्तों सिल्वर लेवल को अचीव करी है, प्लैटिनम लेवल को अचीव। वाई? वो एक सिस्टमेटिक काम करी है। पुरुष लोग, हम लोग सिस्टमेटिक वर्किंग में कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन के बाद दोस्तों हम भूल जाते हैं। टकाटक 24 घंटा यूट्यूब, 24 घंटा फेसबुक, 24 घंटा व्हाट्सएप, दोस्तों इससे आपका धंधा नहीं होगा। आप सोशल मीडिया पर जो एक्स्ट्रा समय बिता रहे हो दोस्तों, उस समय को कम कर दो और सिंगल माइंड अप्रोच होकर के रोज आप देखना। ये दो डायरी दोस्तों, ये थोड़ी बड़ी डायरी मेरे लैपटॉप में रहता है, इसमें लीडर्स के साथ मेरा फॉलोअप का सिस्टम है, इसमें दोस्तों कितनी सेल्स किस किस लीडर के जाते हैं, परमानेंट और एक पेन। आप 24 घंटा मेरा तीन चीज देखोगे ना दोस्तों, आपको हमेशा 24 घंटा मेरे पास मिलेगा, मेरे सिर के नीचे। आप कहीं वर्कशॉप में है, कहीं भी हूं मैं, किसी होटल में हूं, यही मेरा बिजनेस करने का और एक लैपटॉप, इतना सामान मैं दोस्तों अपने साथ हमेशा रखता हूं। तो दोहरे मन से दोस्तों कभी भी काम नहीं होता, बस एक ही फोकस। आज सोमवार को मैं आपको इलाज दिलाता हूं, डी डी डे सेल्स निकालना है, तब दोस्तों आप लग रहे हो काम में, तो दोस्तों आपका काम नहीं होगा। दोस्तों आज अमिताभ बच्चन जी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ करके गाना गाना शुरू कर दें, कुछ और फील्ड में जाएं, तो उनको सफलता मिलेगी। आज उनका नाम कहां से बना है दोस्तों, उनकी शोहरत कहां से आई है? आज अमित जी का, अमिताभ जी का शोहरत आज जो बिगवी है दोस्तों, कहां से मिला है? आज इनको मिला है अपनी इंडस्ट्री से। दोस्तों अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग का टॉपर बनना चाहते हो, तो आप सेफ शॉप पर आप काम करें,
और दोस्तों आप यहां से दोस्तों आप नोबल पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से आपकी बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स में भी नाम आ सकते हैं। इस इंडस्ट्री से आपको दोस्तों वर्ल्ड का किसी सम्मेलन में भी बुलाया जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दोस्तों, अगर आप टॉपर बनोगे तो। इसलिए दोस्तों अपने माइंड क्या दोस्तों, क्रिकेटर्स अपना प्रोफेशन बदला दोस्तों। आज क्रिकेट के बापू बोला जाता है सचिन जी को, दोस्तों आज रिटायर्ड है कंप्लीट। वाई? क्योंकि इन्होंने मिशन एक ही जगह किया। अगर हमने दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, जाने और अनजाने में आ गए हैं, तो दोस्तों आपको यहां पर फोकस डायरेक्ट सेलिंग पर डायरेक्ट और सीधा करना होगा। जिस तरह से एक घोड़े के आंख पर पट्टी लगा दी जाती है ताकि घोड़े को दोस्तों गड्ढे ना दिखाई दे, दोस्तों जिस व्यक्ति को अपनी टारगेट दिखाई देता है, जिसको डायमंड शिप दिखाई देती है, जिसका घर बन करके आधे पर खड़ा है, उसको घर कंप्लीट करना है, जिसकी बहन उसकी आंखों के सामने जवान होती चली जा रही, उसकी शादी विवाह करना है, उसको शादी विवाह दिख रहा है, जिसको अपने बच्चों की पढ़ाई दिख रही है, जिसको एक लग्जरी लाइफ स्टाइल दिख रहा है इस बिजनेस के माध्यम से, दोस्तों उसको अगल बगल कौन क्या काम कर रहा है नहीं दिखाई देता है। उसको ओनली फॉर सेफ शॉप के अंदर में भागवत गीता और संपूर्ण हनुमान का प्रमोशन दिखता है दोस्तों। याद रखिएगा सिंगल मैन सोनू निगम दोस्तों, इन्होंने अगर अपना प्रोफेशन चेंज कर देते पूरे वर्ल्ड में नेहा कक्कड़ जानी जाती, सोनू निगम जाने जाते, तो ओनली फॉर एक ही प्रमोशन आपको। और हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दोस्तों दम है, वो ताकत है जो दोस्तों हमें यहां पर टॉप पर पहुंचा सकता है। आज श्री मोदी साहब देश के ऑनरेबल पीएम दोस्तों, इन्होंने इनकी आप गूगल पर हिस्ट्री पढ़िएगा, इन्होंने दोस्तों गैरेज में सोए हैं, भूखे रहे हैं, खिचड़ी खा करके जिए हैं, आज 70 साल की उम्र में दहाड़ते हैं, इनकी 65 साल की उम्र में इनकी सपने पूरा हुआ। आप देखिए तो एक ये लोग क्या है दोस्तों, अपने आप में एक शक्ति बनिए, आपकी शक्ति को आपके नाम को लोग ब्रांड समझ जाए। उसके लिए दोस्तों क्या कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी? एक जनरल लाइफ से दोस्तों आपको एक बेस्ट लाइफ में जाना है दोस्तों, उसके लिए कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, करनी पड़ेगी। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा लाइन है, मैं बोल दूं कि आने वाला टाइम में देश को ना और आपके राज्य को भी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग चलाएगा, मैं आज आपको बता दूं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जादूगर हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे लीडर पैदा हो रहे हैं। आज भारत ऐसा ऐसा लीडर पैदा कर रही है, आज सेफ सो पैसा ऐसा लीडर पैदा कर रहे हैं जिसका मोटिवेशन स्पीच सुन करके दोस्तों लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आते हैं। रात को सोता है यार ये बंदा 20 करोड़ अंदर कर लिया, 25 करोड़ अंदर कर लिया, 10 करोड़ कमा लिया, ये फौजी आदमी इतनी महंगा गाड़ी चला रहा है, लोगों के दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों हमने जब इस बिजनेस में आया था ना, उस दिन हमें अंदर से फील हो गया था कि दोस्तों यहां पर हमें सफलता मिलेगी। जो तो आज ये बात नहीं बोल रहा हूं, उस दिन और उस जुनून के साथ, और उस टाइम भी मार्केट में क्राइसिस था, उस टाइम भी लाखों, अब तो दोस्तों कंपनियां कम हो गई। हम जब बिजनेस को ज्वाइनिंग किए थे दोस्तों, उस टाइम कंपनियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि नकली कंपनियां उस टाइम मार्केट में बहुत चलती थी। हमने अपने आंखों से लाखों कंपनियां को जाते देखा है, आते देखा है, तूफान की तरह आते देखा है, आंधी का, जिन्होंने मार्केट खराब करी दोस्तों। आज सेफ सब एक खुट्टा है, खुट्टा है दोस्तों, खुट्टा क्या होता है, जहां गड़ता है ना वही दोस्तों उसकी भैंस बनती है, मेरा डायलॉग है, और वो तो ये डायलॉग है सेफ सब एक खुट्टा है दोस्तों। आज काम करो, सेम डे आपकी आईडी ग्रीन होती है दोस्तों, सेम डे बृहस्पतिवार को आपका चेक शो होता है 12 बजे, और 4 बजे दोस्तों आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अर्थात आपको ही पता है कि इस वीक में मेरी अर्निंग में 3 DD गई, डिपॉजिट में 2 DD गई, तो मेरा 3000 का चेक बनेगा। आपको ही पता है कि मेरे अर्निंग साइड में 10 सेल चला गया तो मेरा 10000 का DD चेक बनेगा। आपको ही पता है कि मेरे नेटवर्क में 50 सेल 200 बिक गया तो मेरा 50000 का चेक बनेगा। एकदम फिक्स, मतलब अगर आपका 12 बजे चेक बना है तो शाम को 5 बजे सेफ शॉप का कमीशन आप अपने अकाउंट से दोस्तों विड्रॉल कर सकते हैं। ये पावर है, आप समझिए। आज रतन जी टाटा को, आज दोस्तों ये क्या बोलते हैं दोस्तों, आज जितने इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो दोस्तों टॉप पर जा ही रहे हैं रतन टाटा जी, लेकिन दोस्तों आज इनका एक सोच था,
कि हर घर में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तो आज रतन जी टाटा का हर घर में दो, तो हर बच्चा जानता है टाटा नमक, यस और नो दोस्तों, हर बच्चा जानता है कि नहीं। और हर घर में दोस्तों आज टाटा का नमक का पैकेट दोस्तों आज इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा सोच और आपने सिंगल माइंड से आज बता दिया तो दोस्तों भारत के हर घर के अंदर में दोस्तों भागवत गीता का पेज खुलेगा, और उस घर के अंदर में हर बच्चे भागवत गीता का एक एक श्लोक से अपने जीवन सुधारेंगे और दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। यस और नो दोस्तों? तो दोस्तों दोहरे मन से कभी भी काम नहीं होता। एक इंजीनियर दोस्तों, एक इंजीनियर कभी भी दोहरे मन से काम नहीं करता है। सिंगल आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आज बीटेक किया है, आज दोस्तों पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक करने के बाद ए इंजीनियर पूरी जीवन एक काम करता है। एक प्लम्बर पूरे जीवन दोस्तों एक काम करता है, यानी कि आज प्लम्बर मिस्त्री है, कल इलेक्ट्रीशियन का मिस्त्री बन जाएगा, कल दोस्तों कोई और काम। एक ही वर्किंग लगातार करने से ही दोस्तों उसकी बहुत बड़ी सफलता मिलती है। एक डॉक्टर आज अगर सर्जरी चूज किया है, आज दोस्तों फिजिशियन चूज किया है, तो डॉक्टर भी अपने ही प्रोफेशन में अलग, अगर दोस्तों ईएनटी का डॉक्टर है दोस्तों, कोई भी डॉक्टर हो, डेंटल डेंटिस्ट हो दोस्तों, कोई भी हो, अपना प्रोफेशन अपनी भी फील्ड में नहीं चेंज कर पाएगा। उस तरह से हम लोगों ने जब इस बिजनेस में आ गए हैं, जाने अनजाने में आपकी अपलाइन आपको सहायता नहीं कर रही है, आपके डाउनलाइन आपके साथ नहीं चल रहे दोस्तों, फिर अपना लैपटॉप का बैग उठाओ, अपने पीठ पे झोला निकाल, निकल चलो मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, निकल चलो दोस्तों फील्ड में, दोस्तों कोई ना कोई मिलेगा। शाम तक जब तक आपका 3 से 5 प्लान नहीं होता है सेफ अप का, घर के दहलीज पे कदम नहीं रखो। अगर दोस्तों फुल टाइमर हो तो, पार्ट टाइमर हो तो अपने नौकरी से निकलते हुए ही आप टिक लगाओ दोस्तों मैं क्या काम करता था। याद रखिएगा, हमारी पत्नी 2 बजे हमारे लिए खाना बना करके रखती थी आर्मी में, और दोस्तों मैं आर्मी में ही कहीं उधर कहीं खाना खा लेता था, और दोस्तों 2 से 4 हमें छुट्टियां मिलती थी, 2 घंटे के लिए रेस्ट मिलता था। सारे फौजी लोग अच्छे से रेस्ट करते थे, अपने घर में गए, नींबू पानी पिए, चाय पीकर अच्छे से आए 4:30 बजे गेम पीरियड में गेम खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं क्या काम करता था दोस्तों, 2 बजे मेरे बच्चे को स्कूल से लाना भी होता था, कभी कभी दोस्तों भूल जाता था, साइकिल था, सेंट गैब्रियल्स में मेरा बेटा पढ़ता था, रुड़की की उस टाइम के सबसे टॉपर स्कूल में। और दोस्तों मेरा बेटा, उस टाइम टेलीफोन का भी जमाना नहीं था इतना, तो दोस्तों उस टाइम कभी कभी वो स्कूल के गेट पर 4:00 बजे तक रुक जाता था, मैं भूल जाता था उसके स्कूल से दोस्तों, जब फोन आता था मेरे नंबर पे, जाता था मैं दौड़ करके दोस्तों अपने बच्चों को लाने के लिए। वो तकलीफें, वो पास्ट को दोस्तों मैं याद नहीं करना चाहता दोस्तों। रात को 12 बजे दोस्तों जब प्लान दिखा करके जनवरी के महीने में घर में आते थे, तो मोटरसाइकिल पर दोनों हाथ काम नहीं करता था दोस्तों, 5 सेल 7 सेल सुबह संडे को नौकरी में करने के साथ साथ 8 बजे 7:30 बजे हम घर छोड़ते थे। रात को प्लानिंग करता था अपने डायरी के अंदर में कि दोस्तों हमें कहां कहां जा करके आज दोस्तों प्लान दिखाना है, डीडी निकालना है। पहले फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाता था, आज शाम तक वापस लौटते हुए 5 सेल लेकर के वापस आऊंगा। मेरी टीम मेरे साथ चलती थी, कभी लोग बहाना भी बना देते थे त्योहार का, अकेले दोस्तों मैं अपना लैपटॉप का बैग उठा करके दोस्तों, एक पगला सिपाही जेपी सिंह दोस्तों घूमता रहता था दोस्तों। आज वही कारण है कि सेफ से अपने दोस्तों हमें ट्रिपल डायमंड बनाया। दोस्तों दिन मैं भूल नहीं सकता अपने डिफेंस का, आर्मी का, जब मेरे को छुट्टी मिलती थी किस किस कंडीशन में गांव में जाकर के दोस्तों गन्ने के खेत में गन्ने काटने वाले को उनकी बुग्गी गाड़ी पर लैपटॉप रख करके, वो जो दोस्तों अपनी तावल और गमछा लेकर के जाते, गमछे को छाया करके उसके अंदर में दोस्तों हमने प्लान दिखाया है दोस्तों, और गन्ने वाले से भी दोस्तों हमने डीडी लिया है। दोस्तों ये जुनून अगर आपके अंदर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग के जो 3 महीने के पीरियड में मैंने 5 लैपटॉप कंपनी से जीता था, 5 लैपटॉप, 3 लैपटॉप दोस्तों मेरे 3 ID पर और 2 लैपटॉप मेरे परिवार का ID, 5 लैपटॉप मेरे नेटवर्क। दोस्तों ऐसे दोहरे मन से काम नहीं होता। आज पूरी कोविड के अंदर में दोस्तों, अगर आप मेरी बातें को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं दोस्तों, पूरी कोविड में सब लोगों ने इस जूम मीटिंग को समझा नहीं, जेपी सिंह समझा। आज 20 कॉलिंग पर डे है, आज 4 प्लान पर डे आज मेरा खुद का होता है दोस्तों। मैंने लगातार
अपने आप के साथ दोस्तों नो कॉम्प्रोमाइज। मुझे पता था कि मैं अपने आर्मी की नौकरी छोड़कर गया हूं दोस्तों, अगर आज मैं सेफ स्वप नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लाइफ के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, अपने बच्चों के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, अपने बीवी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, अपने परिवार जो मेरे ऊपर डिपेंड है उनके साथ दोस्तों कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो ऐसा सोच और आप भी बनाते हैं दोस्तों आपका धंधा क्यों नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों दोहरे मन से कभी भी काम नहीं होता, इस बात को समझिएगा दोस्तों। मुझे याद है हम कभी अमृतसर जाते थे, किसी अपने फौजी भाई के क्वार्टर में रहता था, वहां से दोस्तों कैसे कैसे बिजनेस करता था, कहां कहां किस कल्चर में कहां जाकर के बिना खाना खाए हुए ट्रेन के अंदर। मुझे वो भी ध्यान है कि जिस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं रहा, मैंने दोस्तों 12-12 घंटे पूरे दिन में बिना खाना खाए हुए हमने सफर किया है दोस्तों। उस स्टेशन में शाम को 6 बजे ट्रेन पहुंचने वाली, रात को 12 बजे पहुंचती थी। दोस्तों आपको अगर एक बार घूमना होता है तो आप कितना बड़ा प्लानिंग करते हो। और जेपी सिंह दोस्तों महीने के अंदर में 4 दिन तो इसका रोमिंग फिक्स होता है दोस्तों, मतलब 20 दिन घर से बाहर। और दोस्तों आज ही जैसलमेर टारगेट खत्म हुआ, जैसलमेर से आने के बाद काफी ट्रेन दोस्तों अब चल चुकी है। अब दोस्तों हम हर संडे को किसी ना किसी शहर में मिलेंगे, वहां पे दोस्तों छोटे मोटे, छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, छोटा ट्रेनिंग हो, दोस्तों हम लगातार करते मिलेंगे। दोस्तों कैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आपने ठाना है तो, दोस्तों कैसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों बस एक चीज इतना याद रखिएगा कि आपको अगर कोई साथ देगा, आपका कोई दोस्त है, तो ये दोस्तों 6 चीज दोस्तों आपका दोस्त है, खुद का परमपिता परमेश्वर आपके एक सबसे अच्छे दोस्त है, सिस्टम आपका सबसे अच्छा दोस्त है, अप्लाई कहीं ना कहीं परमेश्वर का पार्ट टू है, कंपनी दोस्तों अपने आप में स्वर्ग है, सेल्फ अपने आप उस स्वर्ग में जाने वाले एक व्यक्ति हैं जो दोस्तों वहां पर अपने डायमंड शिप में नाम लिखाते हैं। और उसके लिए आपको 8 स्टेप का जो ट्रेनिंग है इसको लगातार फॉलो करना होगा। आप अपने ड्रीम के साथ नो कंप्रोमाइज, ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल, अपना ड्रीम को सेटअप बना करके रख लीजिए और उसको रोज देखिए, 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार, शॉर्ट टर्म मिडिल टर्म लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को लगातार देखते रहिए, उसको दोस्तों मत छोड़िए। और दोस्तों लिस्ट को लगातार अपग्रेड करिए, रोज आज रात को आकर के एक बार चेक करिए अभी कौन इसमें प्लान। तो ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने लिस्ट बनाना शुरू किया है उसका धंधा दोस्तों दौड़ता है। इन्विटेशन का फ्री टेक्निक जो मैंने आपको दिया है कि हम लोग एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव है, और मुझे लगता है कि मैं और आप मिलकर के यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने रिलेटिव अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स को बस और प्लान दिखाइए दोस्तों। इतनी दमदार स्टेप्स ऑफ का प्लान है कि पूरी भारत में इस तरह का प्रेजेंटेशन किसी कंपनी के पास नहीं है। ऐसे करके दोस्तों अगर आप काम करेंगे, फॉलोअप में 33 क्वेश्चन आंसर दोस्तों अगर आप मेरा याद कर लिए हैं, लोग यही क्वेश्चन पूछेंगे ना प्रोडक्ट बहुत महंगा है, यही क्वेश्चन पूछेंगे ना सर दो नहीं बना तो मैं क्या करूंगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे मेरे नीचे के लोग काम नहीं करेंगे तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, यही क्वेश्चन लोग पूछेंगे ना मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी भाग जाएगी तो, और क्या पूछेंगे, सरकारी होता तो मैं कर लेता, प्रोडक्ट बहुत महंगे, बहुत लोग सफल नहीं होते इस बिजनेस में, और क्या पूछ लेंगे दोस्तों आपको। जब इसको आप कंटिन्यू याद रखोगे दोस्तों आपका धंधा क्यों नहीं चलेगा। दोस्तों दोहरे मन से दोस्तों कभी भी काम नहीं होता, याद रखिएगा दोहरे मन से कभी भी काम नहीं होता। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, हर लोगों से बात करने की आदत डालिए, आप कोई सक्सेसफुल लोगों को अपने सक्सेसफुल अप्लायंस के अलावा किसी की बात नहीं सुनने की आदत डालिए, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, हर आदमी को दोस्तों आपने आदत पूर्वक सम्मान देना इसकी आदत डालिए, मेक रिलेशन, हर आदमी से एक अच्छा व्यवहार बनाइए, अपनी कंपनी का सिस्टम का प्रमोशन, कंपनी का हर एक प्रोडक्ट का प्रमोशन, भागवत गीता संपूर्ण हनुमान का प्रोडक्ट का प्रमोशन, धीरे धीरे ड्रेस अप वेरी वेल, धीरे धीरे अपनी पोस्चर को सही करिए, अपने हेल्थ को सही करिए, कपड़ा अच्छा पहनना सीखिए, ग्रूमिंग फेस रखना शुरू करिए, अगर जेंट्स हैं तो सेविंग करने की आदत डालिए, लेडीज हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को अपडेट रखती है, हेल्थ को मजबूत रखे, अपने पर्सनालिटी पर फोकस करिए, तो धंधा आपका चमकेगा ना, धंधा आपका दौड़ेगा दोस्तों। दोहरे मन से कभी काम नहीं होता दोस्तों, सिंगल माइंड से काम करोगे, पैसा के साथ साथ टाइम भी मिलेगा, टेंशन फ्री लाइफ भी मिलेगा, रिपोर्टेशन आपके अपने रिश्तेदार अपने परिवार में मिलेगा,
वांट टू हेल्प, दूसरे को हमेशा हेल्प करोगे, अच्छा हेल्थ आपका बनेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी अच्छी रहेगी, अपनी बिजनेस है कोई टेंशन नहीं, दिन को कर लो रात को कर लो, लाइक टू मीट न्यू पीपल, हमेशा नए नए लोग से मिलते रहोगे, रिटायरमेंट प्लानिंग दो तो आपके पास होगी, सिक्योरिटी जनरेशन दो तो आपके पास होगा। याद रखिएगा दोस्तों, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी दोस्तों आपको उतना बड़ा होगा। अगर आपको सेफ शॉप में चैलेंज बहुत आ रहा है, आज दोस्तों आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आज दोस्तों अगर एक महीना ज्वाइनिंग को हो गया है, आपके साथ एक लेग में एक आदमी जुड़ा है, दूसरे लेग में नहीं आदमी जुड़ा है, दो लेग एक साइड में दो हुए, हार मत मानना, लगे रहना। किसी किसी गाड़ी एक महीने में चल जाती है, किसी गाड़ी तीन महीने में चल जाती है, किसी की गाड़ी रनवे पर आने में छह महीना लग जाता है, एक साल भी लग जाएगा, लेकिन दोस्तों आपकी गाड़ी दौड़ेगी एक दिन। बस आप हार नहीं मानना, सेफ शॉप में लगातार लगे रहना, ये नहीं बोलना सर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, जुड़ेंगे दोस्तों, लोगों की लाइन लग जाएगी, आपके अंदर में 200 सेल वीक में जाएगा। डेली रूटीन ऑफ द ट्रिपल डायमंड जेपी सिंह, दोस्तों मेरी रूटीन को फॉलो कर लीजिए, सुबह 4:40 उठने का रूटीन, वॉकिंग का रूटीन, गर्म पानी नींबू पीने का रूटीन, सुबह फ्रूट खाने वाली रूटीन, उसके बाद 11 बजे एक बार खाना खा लिया, शाम को 7 बजे खाना खा लिया, हेल्थ को फिटनेस करने का रूटीन, प्लान दिखाने का रूटीन, घर से रोज बाहर रहने का रूटीन, रोज फॉलोअप करने का रूटीन, रोज अपने टीम में ग्रुप मीटिंग काउंसलिंग करने का रूटीन, ये सारी रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे, रोज किताब पढ़ने का रूटीन, काम के रूटीन, अगर आप फ्रेशर हैं, एवरी वीक प्लान टारगेट 14 करिए ना भाई, और उसमें से 2 प्लान का टारगेट करिए, एक मॉर्निंग और इवनिंग, कैसे नहीं दोस्तों आपके टीम में 1000 का चेक बनेगा। सफलता दोस्तों तभी मिलती है जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं। दोस्तों क्या आपका मिलती है, जब आपके सपने आपके डर से, मैं क्या करूंगा, हो गया नहीं, अरे दोस्तों आया तो जाए। हम बचपन में एक ही चीज जानते थे, मैं बिलोंग करता हूं बिहार से, अगर हमने पेड़ के ऊपर में आम लगा है तो हमारे भाषा में बोलते थे ना, आए आम नहीं तो जाए लबेदा, जिस डंडे से आम को मारते थे तो आम तोड़ के नीचे गिरा देगा, या तो मेरा डंडा पेड़ के ऊपर में फंस जाएगा, और क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और मेरे अंदर दम होगा तो ईंट से मार करके उस डंडे को भी नीचे कर दूंगा। तो डर जाओगे तो मरोगे नहीं, पूरे जीवन सताएगा आपका उधर। इसलिए सेफ शॉप में कदम रख लिए हो तो दोस्तों बिफोर ट्रेनिंग कैरेट और एक की तरह मत रहना मुलायम पानी में, दोस्तों कॉफी बीन्स बन जाना। और कॉफी बीन्स दोस्तों हमेशा क्या रोल करता है कि जितना पानी उबलता है उतना सुगंध आता है, और गाजर और जो अंडे होते हैं दोस्तों मुलायम होते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसा दिल मत रखना। जिसको प्लान दिखाने जाना, कॉफी बीन्स किससे डीडी लेना है तो दोस्तों लेना है। जीवन के अंदर में दोस्तों लाइफ की प्रियोरिटी पहले मत देना, सफलता नहीं मिलेगी, आपको पूरे जीवन सिस्टम को प्रियोरिटी देना पड़ेगा, तब जाकर के दोस्तों काम होगा। जो व्यक्ति बाहर का सुनता है ना दोस्तों बिखर जाता है, जो अंदर का सुनता है सवर जाता है। बाहर के सुनने वाले टेम्पू की जिंदगी में रहता है, ऑटो की जिंदगी में, अंदर का सुनेगा सेफ शॉप में, शानदार गाड़ी में, शानदार बंगले में घूमेगा, और वही बंदा शानदार अपना चेक बनाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों लगातार दोहरे मन से काम मत करो, जूम ट्रेनिंग लिस्ट इनविटेशन फॉलोअप सेल्स मिशन 1000 पर लगातार दोस्तों काम करना, 7 ID पर, 1400 BV पर, 600 BV पर, 200 BV पर लगातार भागवत गीता प्रमोट करो। इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो कि युवा व्यक्ति को जीवन में कैसे जीना है उसको भागवत गीता पढ़ना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति को कैसे मरना है उसको भी भागवत गीता पढ़ना चाहिए, अज्ञानी को ज्ञान के लिए, बुद्धिमान ज्ञानी को विनम्रता के लिए, अमीर को दया के लिए, गरीब को आराम के लिए, और स्वप्न देखने वाले को आकर्षण के लिए, व्यवहारिक व्यक्ति को सलाह के लिए, कमजोर व्यक्ति को मजबूत बनने के लिए, और बलवान व्यक्ति को दिशा निर्देशन के लिए, जिद्दी व्यक्ति को चेतावनी के लिए, विनम्र व्यक्ति को जोश और उत्साह के लिए, प्रसन्न व्यक्ति को आराम के लिए, और संदेह करने वाले को लिए विश्वास के लिए, पापी को मुक्ति के लिए, मानव व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन के लिए दोस्तों दिशा पढ़ना चाहिए। और 3 प्रोडक्ट को भागवत गीता संपूर्ण हनुमान स्मार्ट स्टार टॉकिंग टैड और दोस्तों 3 सूत्रेत का पैकेज 200 BV का लगातार अगर आप करेंगे तो दोस्तों फर्स्ट परचेजिंग, जीवन में बहाना और अफसोस कभी भी मत बनाना, क्योंकि सेफ शॉप दोस्तों हमारे पास है। बिजनेस प्रियोरिटी लगातार जो आपसे बात करता हूं कि दोस्तों दोहरे मन से काम नहीं होता, 6 काम पर फोकस लगातार अगर करोगे, 20 मिनट ट्रेनिंग सुनना, 15 मिनट किताबें पढ़ना, डेली डिस्कस 10 लोगों से अपने बिजनेस के बारे में बात करना, जूम पर 5 लोगों को लाने की आदत, 1000 की चेक बनाने की आदत, जो लगातार मैं जो बार बार करता हूँ, ट्रेनिंग अटेंड करना लेफ्ट राइट से,
तो आप नहीं करते हैं। तो जूम पर लोगों को बढ़ाइए, बीबी और चेक तो दोस्तों आपका टीम में खुद बढ़ेगा। तो एक मुर्दा भी मरने के बाद चार लोगों को ढूंढता है, आप और हम तो दोस्तों जिंदा है, दो लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दोस्तों इससे क्या बुरी बात है दोस्तों, दो आदमी को अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो मतलब इस समाज में कोई आपसे प्यार नहीं करता है। अगर आपके साथ दो लोग आपकी बात नहीं मान रहे दोस्तों, निकल जाओ आज घर से, 9 बजे प्लान करो, ड्रेस अप वेरी वेल करके, बिजनेस को प्रियोरिटी दो दोस्तों, अपने काम के साथ साथ। दोस्तों धंधा आपका नहीं होगा, सेल्स आपका नहीं निकलेगा, आपकी FIM तक लेस नहीं होगा। दोस्तों FIM भी बढ़िया होगा, धंधा भी बढ़िया निकलेगा, सेल्स भी दोस्तों बड़ा निकलेगा। इन बातों को जाते जाते दोस्तों ध्यान में जरूर रखिएगा कि गमले के पौधे को फील्ड में जाना पड़ता है, घर में बैठ करके कम्बल में बैठ करके धंधा नहीं होगा। किसान को भी फील्ड में जाना पड़ता है अगर उपज उगानी है तो, सैनिक को भी बॉर्डर पर जाना पड़ेगा अगर देश बचाना है तो, डॉक्टर को भी दोस्तों कोरोना हॉस्पिटल में काम करना पड़ा है, पुलिस बेचारे को भी कोरोना के टाइम में रोड पर काम करना पड़ा है, बैंक कर्मचारी कभी छुट्टी नहीं का, हम सेफ सब घर में बैठे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं, प्रोटेक्शन केवल लेकर बैठे हैं, हमें कोरोना रहे। बैंक वाले जो रोज पैसा का काउंटिंग किया उसको कोरोना नहीं हुआ, जो बैंक पुलिस वाले रोड पर घुमा उसको नहीं कोरोना हुआ, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में गए उनको कोरोना नहीं हुआ, जो सैनिक बॉर्डर पर उनको कोरोना नहीं हुआ, जो किसान फील्ड में काम करते हो घर नहीं छोड़ रहे, गमला का पौधा भी दोस्तों फील्ड में जा रहा उसको फायदा, हम सेफ पहले हाथ पर हाथ रखकर अभी भी घूम रहे हैं बैठ रहे हैं। तो दोस्तों आपका धंधा नहीं चलेगा, 2000-3000-4000 में कंप्रोमाइज करोगे। इस होली में आपका घर का बेडशीट, आपका घर का कॉटन, आपका बच्चों का ड्रेस कोड दोस्तों नहीं चेंज हो सकता है। अगर आप इन बातों को ध्यान देंगे, अपने आप से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और जेपी सिंह की जो बातें आपको बताया अगर दोस्तों इस पे फोकस कर लिया तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं, थोड़ा मेरी बातें कड़वी भी होती है कभी कभी, अगर दोस्तों आप सोते समय पैसा नहीं कमा सकते हैं वो, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और सेफ सोप एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां 5 साल इसके दरवाजे पर आकर के अगर आपने पुकार लगाई दोस्तों, पूरे जीवन आपका पैसे भी इनकम आपके झोली में होगा, अगर दोस्तों आप अपने टीम को आगे बढ़ाने के बारे में दोस्तों सोचते हो तो। आज की मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स दोहरे मन से दोस्तों काम